बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। कैमूर में भूमि विवाद को लेकर मजदूर को मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस ने अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। खबर कैमूर से है, जहां जमीनी विवाद में एक युवक को अपराधियों ने गोली मार घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई, वहीं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपी गोविंद सिंह को एक देसी कट्टा और चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार भूमि विवाद में अपराधियों ने कैमूर के सोनहन थाना क्षेत्र के तरहनी गाँव में एक मजदूर गणेश साह को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में अपराधी अरविंद साह नाम के व्यक्ति की जान मारने की नियत से पहुंचे थे, लेकिन जब वह नहीं मिला तो मकान निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर गणेश साह को गोली मार दी। गोली मजदूर के हाथ और पैर में लगी है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है, साथ ही आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना में घायल गणेश साह ने बताया कि मैं अरविंद साह के मकान निर्माण का काम रहा था, तभी गोविंद सिंह नमक व्यक्ति गाली गलौज करते हुए फायरिंग करने लगा, जिससे मुझे दो गोली लग गई। सदर अस्पताल भभुआ पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लालू पटेल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी है, आचार संहिता में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवक का हाल चाल जानकर उसके बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर की टीम से बात कर आर्थिक सहयोग करते हुए इस दुख की घड़ी में परिवार को साहस दिया और उचित न्याय दिलाने की बात कही। क्षेत्र की जागरण पंचायत अंतर्गत चलानी का वही के गणेश पिता गणेश का उम्र 30 वर्ष है और एक गोली मार दी गई मजदूरी का वजह और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना नहीं होना चाहिए, हमारे भय व्याप्त है, गाँव में भय व्याप्त है, क्षेत्र का मामला है। मैं वहाँ का जिला पार्षद सदस्य हूँ, आके यहाँ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, ईश्वर से कामना करता हूँ जल्द स्वस्थ होकर परिवार में लौटे ताकि फिर से अपने काम कर सके, अपने परिवार का जीवन यहाँ पर बहुत चुके, पिता भी मर चुके हैं, कोई नहीं है प्यारे पीछे, और पिता की जगह ही मजबूरी मर के पूरे परिवार का जिम्मेवारी इसी में सफल है। और इस तरह की घटना कैमूर में नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। आचार संहिता भी लगा हुआ है, आचार संहिता में इस तरह की घटना सवालिया निशान तो उठाते ही हैं, किस तरह की व्यवस्था है और आचार संहिता में इस तरह से जहाँ इतनी पुलिस की 54 व्यवस्था है जहाँ तक दावा किया जा रहा है पूरे कैमूर में, लेकिन इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पुलिस सुस्ती हो गई है? अब पुलिस के लिए तो अभी एफ आई आर किए हैं भाई कि मैं नहीं जानता, अभी मैं सुन के आया हूँ कि गोली लगी है, क्या मामला है कि एफ आई आर के बाद भी क्लियर होगा और प्रशासन हरकत में आएगा। इस तरह घटना नहीं, घटना की कोई नहीं। मैं विकास सिंह पटेल जिला परिषद सदस्य हूँ।